आपको बताया दोस्तों, बचपन से लेके आज तक मेरे घर में कभी, मतलब मैं कभी बेड पर नहीं सोया हूँ। मेरा लाइफ में मैं हमेशा ज़मीन पे ही सोया हूँ। बिल्कुल बचपन में भी नहीं था, हमारे पास बेड नहीं था, हम लोग ज़मीन पे सोते थे गदेला और गोदड़ी बिछा कर। और फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अब जाकर मैंने मेरे खुद के पैसों से बेड खरीदा है। नो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट शायद मैंने खुद ही कभी बेड के बारे में सोचा नहीं, मैंने खुद ही कभी सोचा। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि बेटा कैसे रहता है तू, कैसे रहता है, बेड नहीं है तेरा, कुछ नहीं है, शादी हो गई तेरी फिर भी तू बेड पे नहीं सोता है, फिर भी ज़मीन पे सोता है तू। तो भाई मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था, जबकि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं चाहता तो बेड पहले भी ले सकता था, बट फाइनली अब मुझे बेड लेना पड़ा। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद अब ज़रूरत है बेड की, बिकॉज़ थोड़ा बैक पेन वगैरह होता है, थोड़ा अभी इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल हो गया है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा और ले लिया। तो ऐसा है, बट जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज के ये जबकि बहुत ही मामूली सी चीज़ है, लेकिन मेरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं बेड, मेरे घर में बेड है और मैं बेड पे सोऊंगा। अदरवाइज टिल नाउ, टिल आई एम लाइक 39, टिल 39 ईयर्स आई हैव बीन स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। मैनी मोर थिंग्स टू कम, मैनी मोर थिंग्स टू कॉन्कर एंड टू अचीव इन लाइफ। ये आज आए हैं हम लोग यहाँ पर बैराम बाग में, एसके फर्नीचर शॉप का नाम है और बहुत ही बढ़िया फर्नीचर अवेलेबल है यहाँ पर, आप जैसे कि देख सकते हो। तो अभी यहाँ से हम लोगों ने कुछ फर्नीचर्स फाइनलाइज़ किए हैं, इंशाल्लाह कुछ ही दिन में फर्नीचर घर पे पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हो बढ़िया से बढ़िया सोफ़े, और स्टोरेज के लिए आप देख सकते हो शोकेस वाले कबर्ड है और पार्टिकल कबर्ड्स है, वुडन कबर्ड्स है, प्लाईवुड वाले कबर्ड्स है, ऑफिस डेस्क अवेलेबल है यहाँ पर। ये सारे स्टोरेज भी है जो ऑफिस के लिए या घर के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे न्यू कबर्ड्स और फर्नीचर मिलते हैं आपको, जो चीज़ आपको आइकिया में या पेपरफ्राई.कॉम में जहाँ पर भी मिलती है वो हर चीज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। ये देखिए बहुत ही क्यूट सा स्टूल जैसा एक कबर्ड है, ड्रॉर्स वाले कबर्ड है। तो हम लोगों ने भी यहाँ से कुछ चीज़ें फाइनलाइज़ की है। काफ़ी बड़ा शॉप है इनका, पीछे इस शॉप के पीछे ही यहाँ पर इनका कारखाना भी है जहाँ पर सारे कबर्ड्स ये खुद बनाते हैं, और मेड टू ऑर्डर भी अवेलेबल है। आपको जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए आप लेके आइए, यहाँ पर आपको बना कर देंगे। और सोफ़ा कम बेड मेटल का हो या वुडन हो, हर चीज़ आपको, हर तरह के फर्नीचर यहाँ पर आपको अवेलेबल है। शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर आसिफ, ये जिनसे हम लोग ये फर्नीचर्स परचेज करने जा रहे हैं, उनका नाम है आसिफ भाई, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल मैं शेयर कर दूंगा। डेफिनेटली आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और काफ़ी अच्छे रेट्स में आपको, काफ़ी अच्छे रेट्स में फर्नीचर दिला देंगे। ये सारे प्लाई वाले कबर्ड्स हैं, अंदर काफ़ी स्पेशियस है, स्टोरेज काफ़ी स्पेशियस है। पकड़ो जरा एक मिनट, तिजोरी वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। और ये सामने आप देख सकते हो अल दरबार फैमिली रेस्टोरेंट है, ये जोगेश्वरी एसपी रोड पर बैराम बाग का टर्निंग है, ये एग्जैक्ट सिग्नल के बाजू में ही ये शॉप है एसके फर्नीचर करके। यहाँ से आप एसके फर्नीचर कॉन्टेक्ट पर्सन मिस्टर आसिफ, ये हमारे आसिफ भाई, तो आप इनसे आकर यहाँ आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आपको ये हर तरह के फर्नीचर अच्छे से अच्छे रेट में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा पिछली बार मैंने आपको बताया था मेरा टूटा हुआ वार्डरोब, जो कबाड़ है, कबाड़ का दरवाजा भी टूटा हुआ है। फिलहाल मेरी कंडीशन, रहन दो वो मत खोल, ये है कि एक डोर है, दूसरा डोर गायब है, बट अभी मैं फिलहाल एक अच्छा वार्डरोब अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। बट इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा
तो जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जब मेरे चैनल ऊपर आएगा, या फिर मेरी कारोबार में बरकत होगी, अल्लाह की तरफ से मदद होगी, तो ये सब चीज़ें भी आएंगी। बट मैं आज ये चीज़ से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि जब कल को मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मेरे कबड़ में दरवाज़ा भी नहीं था। एक और ये रहा वो वार्डरोब जो टूटा हुआ था, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। थोड़ा सा घर मेस्ड अप है, इसलिए मैं ठीक से नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत अजीब लगेगा। बट ये अब इस बार हम लोगों ने फाइनली एक अच्छा वाला वार्डरोब ले लिए है, प्रॉपर प्लाईवुड का, मजबूत वाला एकदम। लेट्स होप कि इसकी मजबूती कायम रहे काफ़ी सालों तक, क्योंकि ऐसा ही बोला गया है हमको। तो ये है, आज फाइनली इसे चढ़ा दिया गया है। बहुत दिक्कतों के साथ चढ़ाना पड़ा, बट आ गया है। अब इसकी फिटिंग होगी यहाँ पर। तो आज है 26 जून और ये मेरा नया वार्डरोब आ चुका है। और इसके अलावा भी एक और फर्नीचर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिए इस वीडियो में। और ये इसकी फिटिंग चालू है, पूरी फिटिंग होने के बाद कुछ अलग ही लुक आएगा इसमें। हेलो, हेलो, फाइनली द वार्डरोब इज हियर। अब ये जो दूसरा फर्नीचर अपना आने वाला था वो है ये, जो कि एक सोफ़ा कम बेड है। और बाय मिस्टेक वो लोग दूसरे का बेड उठा कर लेके आ गए थे, तो अब जाकर प्रॉपर वाला बेड लेके आए हैं। जो डिज़ाइन हमने सिलेक्ट किया था वो ये है। अब ये सब जो पसारा है ये सब जाने वाला है यहाँ से, और बाकी ये बेड यहाँ पर इस एरिया में लगेगा। यहाँ पर बेड लगने वाला है और फिर बेड लगने के बाद देखेंगे कैसा लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा वार्डरोब आ गया है अपना। और कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कलर मैंने सिलेक्ट किया हूँ, नेचुरल पॉलिश बोलते हैं इसको, नेचुरल पॉलिश कलर है। आइए एक नज़र मैं आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको मैं बताऊँगा, पिछले एक वीडियो में मैंने बोला था कि वी कांट अफोर्ड अ वार्डरोब राइट नाउ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी सुन ली और बहुत ही जल्द, मतलब एक महीने के आसपास, एक या डेढ़ महीने के अंदर ही हमारे पास एक खुद का वार्डरोब आ गया है, और बहुत ही मजबूत और अच्छा वाला। ये देखिए कितने रैक है इसके अंदर, ये ड्रॉर्स है, तिजोरी है, और इस तरफ देखिए ये मिरर वाला डोर है। स्लाइडिंग वाला इसलिए लिया मैंने क्योंकि पहले वाला डोर ऐसे खुला रहता था, तो आने जाने में बच्चों ने तोड़ दिया था, तो स्लाइडिंग वाला हमारे लिए सही है। तो इस तरफ मेरे कपड़े हैं और बच्चों के, खदीजा के और मेरे कपड़े इस तरफ है, उस तरफ सना के कपड़े मेरी वाइफ के। बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज सिलेक्ट भी मैंने किया है, कलर मैंने पसंद किया है। देखिए हमारा बेड कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है बनने के बाद, तो बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये 6 फीट है और इस तरह से 5 फीट है, तो हमको ऐसे सोना पड़ेगा, सर उधर और पैर इधर। और खदीजा यहाँ पर बहुत ही खुश नज़र आ रही है, अच्छा लग रहा है बेबी, चलो फिर सो जाओ, चलो आ जाओ। और रात के 12:30 बज गए हैं, सारे काम निपटाते निपटाते। चादर बहुत अच्छी लग रही है इसके ऊपर सही में, माशाल्लाह। हाँ ठीक है, चलो सो जाओ बेबी, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट, बाय। तो फाइनली ये दो फर्नीचर आ गया है, स्टोर हो गया है, सेट हो गया है, माशाल्लाह घर भी अच्छा लग रहा है अभी। और कुछ कुछ कचरा वचरा थोड़ा साइड में पड़ा हुआ है, तो प्लीज इग्नोर दैट। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे किसी और स्टोरी के साथ किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।